हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है फ्रेंड्स, घर के टेरेस पे हम ग्राउंड नट मूंगफली कैसे लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस टाइप की मूंगफली ले लेनी है, छिलके वाली। सारी मूंगफली को एक एक करके आपको छील लेनी है। छीलने के बाद आपको सारी मूंगफली अलग कर लेनी है और छिलके अलग कर लेने हैं। उसके बाद आपको एक कटोरी के अंदर सारी छिली हुई मूंगफली को रख देना है और उसके अंदर उसको पानी डाल के भर देना है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट रात को भिगा दें मूंगफली को, छिली हुई को। उसके बाद आपको ऐसे ही पॉलीथीन के बैग के अंदर मिट्टी, कंपोस्ट, वो सबको इक्वल मात्रा में भर के आपको ऐसे रख देनी है। हमने 4 पॉली बैग्स तैयार किए हैं। उसके बाद सारे पॉली बैग्स के अंदर फ्रेंड्स आपको ऐसे पानी डाल देना है और आपको उंगली की हेल्प से इसके अंदर ऐसे जगह बना देनी है। हर एक जगह में फ्रेंड्स आपको एक एक मूंगफली अंदर रख देनी है। उसके बाद जैसे आप ऐसा कर देंगे, हमने सारे तैयार करके रख दिए हैं चारों के चारों पॉली बैग्स के अंदर। उसके बाद आपको फ्रेंड्स उसके ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी रख देनी है ताकि सारे के सारे मूंगफली ग्राउंड नट ढक जाए और जल्दी से ग्रोइंग अच्छी हो सके। ऐसे हमने सारे के सारे पॉली बैग्स के अंदर मिट्टी कवर कर दी है ग्राउंड नट को। सारी ग्राउंड नट कवर हो चुकी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपको 3 दिन के बाद आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्रोइंग नज़र आएगा, कहीं कहीं पर पत्ते आ चुके हैं। भिगाने से फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रोइंग अच्छी होती है और जल्दी होती है, देख सकते हैं आप। सारी मूंगफली ग्रो हो चुकी है। ये आफ्टर 6 से 7 डेज के बाद की वीडियो है। देख सकते हैं हमारे पत्ते सारे बाहर आ चुके हैं, ग्रोइंग अच्छा हुआ है, ऑलमोस्ट 90% ग्रोइंग हो चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको कब खाद यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप ऑलमोस्ट फ्रेंड्स 15 डेज़ के बाद की वीडियो है। फ्रेंड्स हर 15 डेज़ पे आपको इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक खाद आता है वो आपको डालना है, वर्मी कंपोस्ट हर 15 डेज़ पे। और आपको जब जब ज़रूरत लगे पानी की, वाटरिंग की, जब आपको नमी ना दिखे उस समय आपको वाटरिंग करना है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये फ्रेंड्स रात की वीडियो है। देखो रात के टाइम पे क्या होता है, सूरज ना होने के कारण ये जितने पत्ते होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ग्रीनरी इसके अंदर कितनी सारी है। अगर आपको फ्रेंड्स पत्ते पीले नज़र आने लगे तो इसके अंदर समझ लेना कि आपको नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण इसके अंदर फ्रेंड्स आपको एक्सटर्नल नाइट्रोजन देना पड़ता है, सकता है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आप यूरिया दे सकते हैं एक एक चम्मच। ये हमारी रूट ग्रो हो चुकी है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर। ये देखो एकदम ग्रीन दिख रहा है, बिल्कुल किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, कोई रोग नहीं आया हुआ है, एकदम कंप्लीट ग्रीन। फिर मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये देखो हमारी ग्राउंड नट इसके अंदर तैयार होने लग चुकी है। ये देखो आपको दिख रही होगी ग्राउंड नट, ये जितनी है ये सारी के सारी ग्राउंड नट अंदर आ चुकी है। देखो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने के बाद की वीडियो है फ्रेंड्स। ये अब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करके हम दिखाएंगे। देखो फ्रेंड्स ये हमारी ग्राउंड नट कितनी अच्छे तैयार हुए। ये फ्रेंड्स एक जो पॉली बैग था उसका भी आता है, इसलिए आप देख सकते हैं ग्रोइंग कितनी अच्छी हुई है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।